रांची से कांग्रेस की प्रत्याशी यशस्वनी सहाय ने रांची के अपर बाजार में घर घर जाकर लोगों से अपने लिए सहयोग मांगा है। यशस्वनी सहाय ने महिलाओं का अपार समर्थन मिलने की आशा व्यक्त की है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने वर्तमान सांसद और बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ को नकारा प्रत्याशी बताया है। कांग्रेस से रांची सीट की उम्मीदवार यशस्वनी सहाय जो है लगातार पदयात्रा कर रही है, लगातार लोगों से मिलकर के जो है वोट की अपील कर रही है। हमारे साथ यशस्वनी सहाय है। बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, महिलाओं का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। जितने भी माताएं हैं, मैं जिनसे भी मिल रही हूँ, मेरे हम उम्र के भी जितने लोग हैं, सबसे प्यार तो मिल रहा है पर उनकी परेशानी भी समझ में आ रही है। वो अपनी परेशानियाँ भी मुझ तक रख रहे हैं और उसको बस मैं आगे लेके जाऊंगी, उसका समाधान ढूंढूंगी। मेरे ख्याल से ये मुकाबला अब सही में कहा जाए तो जनता ने टेक ओवर कर लिया ये पूरी लड़ाई, क्योंकि संविधान बदलेंगे इसलिए 400 चाहिए, ये अब आम बात नहीं रह गई। इन्हीं के लोगों ने ये सवाल जनता को चुट्टी काट करके टेस्ट करना चाहते थे और वो लोगों के समझ में आया है कि 400 ये गांव में बहुत इसका गुस्सा है। हर समाज के लोग, दलित समाज के लोग, जो अम्बेडकर का बना हुआ संविधान बता, आदिवासी समाज जो है कि हमारी संस्कृति सभ्यता को ख़त्म करने के लिए सीसीए ला रहे, और ये जो इनका 10 साल के कारनामे रहे हैं, 10 साल का शासन नहीं रहा है, कारनामा रहा है, उन सब चीज़ों को भी लोग समझ गया है। तो ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि ये 2024 का चुनाव एक बदलाव का चुनाव में परिवर्तित हो गया इंडिया गठबंधन। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।